दोस्तों आज हम आपको ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जो हथौड़े से कांच पर चित्र निकालता है। हाँ दोस्तों, आपको सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन दुनिया में कलाकारों की लिस्ट में एक ऐसा शख्स भी है जो कि हथौड़े से चित्रकारी करता है। ये कलाकार हैं सिमोन बजक। इनका जन्म 9 अप्रैल 1976 में स्विट्जरलैंड में हुआ और इनकी उम्र 46 साल है। सिमोन एक स्विस आर्टिस्ट है। जब ये अपनी कलाकारी शुरू करते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी लग सकता है कि यह ग्लास की कोई खिड़की, दरवाजा या दीवार तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन असल में यह तो अपने काम की शुरुआत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे देखने पर आपको समझ में आता है कि यह किसी का चेहरा डिजाइन कर रहे होते हैं। सिमोन का कहना है कि वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, इसलिए उन्होंने इस आर्ट को अपनाया। लेमिनेटेड ग्लास अभी तक किसी भी तरह से आर्ट का कोई माध्यम नहीं बना है, इसलिए उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिया। असल में सिमोन एक कारपेंटर हैं। काफी प्रयासों के बाद अब वे एक सफल कलाकार हैं। उनके काम की एक खासियत है कि इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि नजदीक से तस्वीर साफ उभर कर नहीं आती। लेमिनेटेड ग्लास को ही सिमोन ने इसलिए चुना क्योंकि एक बार में हथौड़े या छेनी से स्ट्राइक करने पर यह आसानी से टूटता नहीं है। सिमोन की पेंटिंग के चाहने वाले मानते हैं कि उनका काम अनोखा है क्योंकि इसमें काफी बारीक कामकरण होता है और आपका एक छोटा सा वार आकृति का निर्माण करता है। सिमोन को सबसे ज्यादा आनंद कारों के विंडशील्ड पर चित्र निकाल कर आता है। इसके अलावा वे स्टोर फ्रंट के ग्लास पर भी अपनी कला दिखाते रहते हैं। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।